एशिया कप 2023 एक ड्रीमी टूर्नामेंट की तरह साबित हुआ है इंडियन फैंस के लिए, बिकॉज ठीक वर्ल्ड कप से पहले एशियन चैंपियन बनना आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बड़ा बूस्ट है और सभी चाहते थे कि इंडिया इस ट्रॉफी को जीते और फाइनली श्रीलंका को हराकर इंडियन टीम ने इस ट्रॉफी पर अपना हाथ जमाया है। लेकिन इस टूर्नामेंट में सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट के सभी टीम्स के प्लेयर्स ने अपनी पूरी जान झोंकी थी, जिसके बेसिस पर हमने बनाई है आज की अपनी बेस्ट 11 ऑफ द टूर्नामेंट। सो हमारी इस बेस्ट 11 को देखते रहने के लिए आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए और साथ ही साथ जानिए कि आप कौन से वो प्लेयर्स थे जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया था इस थ्रू आउट टूर्नामेंट। शुरुआत होती है बेस्ट 11 के नंबर वन प्लेयर रोहित शर्मा की, द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, द प्लेयर हु हैज प्लेड सो मेनी गुड इनिंग्स कि उनकी वजह से टीम इंडिया को मैचेस में हमने देखा एक अच्छा स्कोर स्टार्ट करते हुए। बीइंग एन ओपनर इंडियन टीम के लिए रोहित शर्मा ने जिस तरीके से रन स्कोर किए हैं उससे प्रूफ होता है कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं और एनी गिवन डे वो परफॉर्म करना जानते हैं। सो रोहित शर्मा हमारे बेस्ट 11 का पार्ट है एज एन ओपनर ऑन नंबर वन एंड एज कैप्टन एज वेल। वहीं इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने 6 मैचेस में 194 रन जुटाए हैं, जिनकी वजह से वो है इस टूर्नामेंट के ओपनर की लिस्ट में। अब नेक्स्ट ओपनर की बात करें तो नंबर 2 पर हम देख सकते हैं शुभमन गिल को, जो कि रोहित शर्मा के साथ इस टूर्नामेंट की बेस्ट 11 की ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं जहां पर उन्होंने स्कोर किए हैं 302 रन। शुभमन गिल से पूरी उम्मीद थी हम लोग इस टूर्नामेंट में कि वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे, उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने जो एक डेड रबर मैच था, बट स्टिल उसमें उन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर करी और उसी के साथ उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया की तरफ से बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने ही स्कोर किए। नेक्स्ट नंबर 3 पर आएंगे कुसल मेंडिस, श्रीलंका के ये बल्लेबाज जो कि हर बार हर मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट की लिस्ट में फीचर करते आए हैं। इन्होंने अभी तक खेले गए कुल 6 मुकाबलों में एशिया कप के 270 रन यानी 270 रन स्कोर किए और कुसल मेंडिस इस श्रीलंका की तरफ से काफी बड़े प्लेयर बनकर के उभरे हैं। जरूरी और महत्वपूर्ण सिचुएशंस पर उन्होंने रन स्कोर किए हैं और श्रीलंका को पूरी तरीके से अपने बैक से सपोर्ट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज सदीरा समा विक्रमा, उन्होंने अभी तक खेले गए कुल 6 मैचेस में 215 रन जुटाए हैं जिसमें उन्होंने 250 लगाए थी। सदीरा समा विक्रमा ने सेल्फ काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया श्रीलंका के लिए इस एशिया कप में। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बढ़िया परफॉर्म किया था और जरूरी मैच जो कि एक बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका पहला मुकाबला था श्रीलंका का, वहां पर भी उन्होंने परफॉर्म करके अपनी टीम को जीत दिलाई थी। सो डेफिनेटली हम यहां देख सकते हैं कि सदीरा समा विक्रमा इस 11 में क्यों फीचर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम के बाद पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अगर बैटिंग में रिलायबिलिटी की बारी आती है तो हम सब मोहम्मद रिजवान को जानते हैं। उन्होंने अभी तक 5 मैचेस में 195 रन स्कोर किए हैं और रिजवान ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हुए कुछ अहम इनिंग्स भी खेली हैं और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान सुपर फोर्स तक पहुंच सकी। सो डेफिनेटली इस लिस्ट में फीचर करना उनका बनता था। नेक्स्ट इज फ्रॉम द ऑलराउंडिंग एंड, जहां पर नाम आता है शाकिब अल हसन का, बांग्लादेश के कैप्टन, लेजेंडरी ऑलराउंडर फ्रॉम बांग्लादेश, वो डेफिनेटली इस लिस्ट में फीचर करेंगे बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस बांग्लादेश के लिए दी है और जिस तरीके की इंटेंट शो करी है उससे वो पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं इस लिस्ट का पार्ट होना। उन्होंने अभी तक एशिया कप में कुल 5 मुकाबले खेले जहां उन्होंने 173 रन स्कोर किए और 3 विकेट अपने नाम किए। शाकिब अल हसन वी ऑल नो कि एक एंड से गेम चेंज करने का दम रखते हैं और शाकिब की बॉलिंग की तारीफ हम सभी जानते हैं वो कितनी हुई है इस टूर्नामेंट में और उन्होंने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी करी थी अगेंस्ट इंडिया, जो कि एक नॉट सो इम्पोर्टेंट मुकाबला था बट स्टिल उनकी कैप्टनसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करी थी जिससे वो मुकाबला बांग्लादेश जीती थी। सो इसलिए शाकिब अल हसन है इस लिस्ट का पार्ट। नेक्स्ट इज इंडिया के ऑलराउंडर और बल्कि मैं कहूंगी पेस ऑलराउंडर, विच इज हार्दिक पांड्या, क्योंकि उन्होंने थर्ड पेसर बनकर इंडिया के लिए काफी विकेट्स लिए हैं। नॉट इवन इन जस्ट इन ग्रुप मैचेस और सुपर फोर्स, उन्होंने फाइनल मुकाबले में भी 3 for 3 का जो उनका नंबर था वो काफी एनरिचिंग था। हार्दिक पांड्या इटसेल्फ इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जहां उन्होंने स्कोर किए हैं 92 रन और 6 विकेट्स उनके नाम रहे हैं। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग हमारे लिए एक लग्जरी है फॉर इंडिया टीम एंड वी ऑल नो कि हार्दिक पांड्या का होना कितना इंपॉर्टेंट है और इस एशिया कप में भी उन्होंने वहां पर रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस देने में कोई कमी नहीं रखी। नेक्स्ट इज द यंग सेंसेशन फ्रॉम श्रीलंका दोनित विलालागे। इनकी बात जब भी शुरू होती है तो हम सबको वो स्पेल याद आता है जो हमने देखा था स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट
जिन्होंने इतने बड़े बड़े विकेट अपने नाम किए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन उन्होंने शुभमन गिल का भी विकेट लिया था, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बॉलिंग से लोगों को चकमा दिया है उसकी वजह से उनका नाम हो गया था। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कोलंबो की पिच में दोनों जितने इफेक्टिव रहे थे, उनसे उम्मीद होगी श्रीलंका को कि आने वाले वर्ल्ड कप में भी वो उतने ही इफेक्टिव रहे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नंबर्स जो दुनित विरल आगे ने एशिया कप में शो किए हैं, तो वो है दुनित ने अभी तक 6 मुकाबले खेले श्रीलंका के लिए इस एशिया कप में, जहां उन्होंने 86 रन स्कोर किए और 10 विकेट अपने नाम किए। नेक्स्ट इज मथीशा पथिराना, बहुत ही स्पेशल बॉलर फ्रॉम श्रीलंका, और जिस तरीके से उन्होंने शुरू से ही टूर्नामेंट में विकेट्स लेने का अपना दौर जारी रखा, उसकी वजह से आज वो है इस लिस्ट में। मथीशा पथिराना ने कुल 6 मुकाबले खेले जहां उन्होंने 11 विकेट्स लिए। इसी के साथ वो टूर्नामेंट के मोस्ट विकेट टेकर भी बने, क्योंकि इतने विकेट्स और किसी भी गेंदबाज के नाम नहीं है जितने मथीशा पथिराना ने इस टूर्नामेंट में हमें लेकर के दिखाए हैं, और इसीलिए इस लिस्ट में वो फीचर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द मोहम्मद सिराज। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग हिम द, बिकॉज वी ऑल नो उन्होंने फाइनल में क्या करके दिखाया। 6 for 21 उनका स्कोर था, जिनकी स्कोर लाइन थी फाइनल के दिन, जो कि इतना बड़ा मुकाबला था, अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने आते ही 4 विकेट लिए और श्रीलंका की पूरी बैटिंग की बैकबोन को धराशाही कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ने ये श्रीलंका को स्ट्रिक किया 50 रन पर इन एन ओडीआई मैच, और उसके बाद में 51 का टारगेट इंडियन ओपनर्स ने इजिली चेस डाउन कर दिया, जिससे एशिया कप की ट्रॉफी हमारे नाम हो गई। थ्रू आउट टूर्नामेंट सिराज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट फाइनल में जिन्होंने करके दिखाया उनका तो साही पूरी दुनिया है, और सभी को मालूम है कि वो देन थे जो फाइनल मैच हमने बहुत ही इजीली जीता। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्टैट्स ऑफ मोहम्मद सिराज, तो फिर उन्होंने एशिया कप 2023 में 5 मैचेस खेले हैं जहां उन्होंने 10 विकेट्स अपने नाम किए हैं, जिसमें से 6 विकेट इटसेल्फ सिर्फ फाइनल मुकाबले के हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट मेंबर ऑफ द बेस्ट 11 टूर्नामेंट एशिया कप 2023, दैट इज कुलदीप यादव फॉर इंडिया। इनिशियली जब इनका नाम स्क्वाड में रखा गया था, तब कहा जा रहा था कि यूजी चहल को सब मिस कर रहे थे, इतने बड़े प्लेयर को आप कैसे मिस आउट कर सकते हैं, और कुलदीप से बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। लेकिन कुलदीप यादव ने जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, अपने कॉन्फिडेंस को शो करके, जैसे रोहित शर्मा ने उनको बैक किया, वैसे परफॉर्मेंस देकर कुलदीप ने पूरी तरीके से अपना नाम कमाया और टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से टॉप गेंदबाज बन करके उभरे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 मुकाबले खेले जहाँ उनके नाम रहे 9 विकेट्स। कुलदीप यादव इवन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, और उन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस से इंडिया को भरपूर सहायता दी। नाउ ये है हमारी एशिया कप 2023 की बेस्ट 11, जहां आप देख सकते हैं सभी खिलाड़ी जिन्होंने अपना फुल ऑन एफर्ट डाला टू गेट देयर टीम्स टू विन द टाइटल, एंड अल्टीमेटली वी नो इंडिया टीम वन द टाइटल बाय द परफॉर्मेंसेस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन हियर एंड गॉट फीचर्ड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि मोर एंड मोर फ्रेंड्स ऑफ योर्स कुड गेट इन टू द सेम कॉन्टेंट एंड डिस्कस अबाउट द सेम। कॉमेंट सेक्शन में हमें हमारा फीडबैक जरूर दीजिए, क्या हमने किसी प्लेयर को मिस आउट किया, अगर किया तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तब तक थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग क्रिक ट्रैकर्स बेस्ट 11।